मेरे आका करीम अलैह सलाम ने फरमाया, ऐ बिलाल, अपने भाई जाबिर को 40 दिरहम भी दे दो और एक काम करो, थोड़ा सा सिवा भी दे दो, एक्स्ट्रा भी दे दो। 40 तो तय है, थोड़ा सा ऊपर भी दे दो। हज बिलाल ने 40 भी दिए और थोड़ा सा ऊपर से भी दिरहम दिए। ये जो सिवा देना है ना, ये मेरे हुजूर की सुन्नत है। सौदा तय होने के बाद थोड़ा सा ऊपर। ये जो हमारे यहाँ एक तरीक था, बाजार जाते थे हम बचपन में, तो सब्जी ली तो धनिया की गड्डी वैसे ही डाल देते थे, वो थोड़ी सी मिर्चें, पुदीना, कोई ना कोई। गोश्त लेने गए, 1 किलो गोश्त दे दो, उसने गोश्त दिया और थोड़ा सा आखिर में एक हड्डी बोटी एक्स्ट्रा डाल दी तोल के अलावा। तो मैं सोचता था ये एक्स्ट्रा क्यों देते हैं लोग। फ्रूट वाले के पास गए, फ्रूट लिए, उसने तोला, ऊपर से एक आध दाना डाल दिया। आटा तोलने के बाद ना थोड़ा सा ऊपर डालते जरूर थे। दूध लेने गए, भाई लीटर दूध दे दो, उसने तोला, पूरा लीटर डाला, फिर थोड़ा सा ऊपर से डाल दिया। याद है किसी को ऐसा होता था? कोई भी चीज लेने जाए, लोग एक्स्ट्रा सालन पकाते थे, थोड़ा सा ज्यादा शोरबा डाल देते, पड़ोस में भी भेज दो, मस्जिद में भेज दो। जुमेरात होती तो गली में, आओ बच्चों शीरनी लो, बांटते थे लोग, देते थे। तो मैं सोचता था कि ये एक्स्ट्रा क्यों देते हैं। बाद में पता चला जो हमारे बड़े थे वो बहुत समझदार थे। उनका दर्जन जो है वो 13 होता था। वो हुजूर की सुन्नत पे अमल करते थे, इसीलिए बरकत थी माशरे में, बरकत होती थी। ये लंगर खाने तो नहीं थे उस वक्त, लेकिन कोई भूखा नहीं सोता था। होटल में जाते थे, दो चार दोस्त मिल के, हाँ भाई निहारी दो, एक प्लेट निहारी मिली, रोटियां आ रही हैं, बाद में ग्रेवी मिल रही है, पेट भर के खा लिए, बरकत हो जाती थी। आज इतना कुछ है लेकिन बरकत नहीं। क्यों? किसी से आधा किलो मांगो वो 400 ग्राम लाके दे देता है, बोलो 1 किलो चाहिए वो 800 ग्राम का पैकेट, वो भी पूरा नहीं होता। पेट्रोल लेने जाओ, लीटर मांगो, उसमें भी डंडी मार देते, इल्ला माशाल्लाह कहीं सही मिलता हो। तो क्या हुआ? बरकत खत्म हो गई। वो सारे पैसे अब डॉक्टर के पास जाते हैं। पहले कोई बच्चा बीमार होता था, मस्जिद के बाहर लाइन लगी होती थी, मगरिब के बाद लंबी लाइन है। जितनी लाइन आज चाइल्ड स्पेशलिस्ट के बाहर होती है ना, वो सब मस्जिद के बाहर होती थी। नमाज पढ़ के निकलो, बच्चों को दम करो, बच्चे ठीक हो जाते थे, डॉक्टर के पैसे बच जाते थे। अब हमने यहां से बचाना शुरू किया तो वहां निकल रहे हैं। जब भी कोई काम करें तो थोड़ा सा सिवा देना, ये मेरे हुजूर की सुन्नत है। जिसका दर्जन 13 होगा वो कभी भी कंगाल नहीं होगा, वहां बरकत ही बरकत रहेगी।